हे दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस वर्सेस मिस्ट्रीज में। दोस्तों, अक्सर सुपर हीरोज को हमने मूवीज में देखा है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। हाँ, लेकिन उनके पास सुपर पावर्स जरूर होती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने फिल्मों और मूवीज से बिल्कुल हटकर बिना किसी सुपर पावर के अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले साइंस वर्सेस मिस्ट्रीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर लीजिए। नंबर एक, डेलिबोर वोबोर्निक। अप्रैल 2019 में 85 साल के जीरी ड्यूश ने रेलवे क्रॉसिंग के बैरियर पर ध्यान नहीं दिया और मोटरसाइकिल सहित उस बैरियर से टकरा कर रेलवे क्रॉसिंग पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। ट्रेन ट्रैक के बीच में गिरे जीरी पर हीरो डेलिबोर वोबोर्निक की नज़र पड़ गई और वो भागते हुए आए और ट्रेन के आने से चंद लम्हों पहले जीरी की जान बचा ली। पुलिस के अनुसार डेलिबोर ने अगर फुर्ती ना दिखाई होती तो जीरी का बच पाना शायद मुश्किल था। नंबर दो, मामूडा गासामा। दोस्तों, अगर आपको बिना सेफ्टी के किसी बिल्डिंग पर चढ़ने को बोला जाए तो क्या आप चढ़ोगे? या फिर आपको लाखों रुपए भी दे दिए जाएं तो भी क्या आप अपनी जान को खतरे में डालोगे? वेल फ्रेंड्स, ऐसा करने के लिए मामूडा गासामा को किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं थी। वो तो यूं ही बालकनी से गिरते बच्चे की जान बचाने के लिए बिना सेफ्टी बिल्डिंग पर चढ़ गए। मामूडा गासामा एक मालियन एमिग्रेंट व्यक्ति थे जो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए पेरिस में आकर बसे थे। लेकिन एक दिन जब वो सड़क किनारे से गुजर रहे थे तो उन्होंने लोगों के चीखने की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा कि एक बच्चा बालकनी से लटका हुआ है और दूसरी ओर एक व्यक्ति उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। मामूडा गासामा ने बिना समय गवाए बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू कर दिया और उस बच्चे की जान बचा ली। मामूडा गासामा की एक गलती से उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, हीरोज बचपन से पैदा नहीं होते, खुद बनते हैं। नंबर तीन, क्योनी बोथॉर्प। दोस्तों, बस आप कल्पना कीजिए कि आप बीच पर आराम से तैर रहे हो और अचानक एक विशाल टाइगर शार्क आप पर अटैक कर देती है। वेल फ्रेंड्स, कॉलिन कुक के साथ यह कल्पना नहीं बल्कि हकीकत में हुआ। जब वो बीच के किनारे से लगभग 183 मीटर की दूरी पर सर्फिंग कर रहे थे तभी 13 फुट की एक विशालकाय टाइगर शार्क ने उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, अगर आप ऐसा नज़ारा देखोगे तो क्या करोगे? वेल फ्रेंड्स, क्योनी बोथॉर्प ने बिना झिझक के अपने पैडल बोर्ड के साथ कॉलिन की जान बचाने के लिए रेस लगा दी और बहादुरी से शार्क का सामना किया। कॉलिन का काफ़ी खून पानी में फैल गया था जो दूसरी शार्क्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन क्योनी ने अपने पैडल बोर्ड और दो हाथों के सहारे लगभग 396 मीटर की दूरी तैर कर तय की और अपनी और कॉलिन की जान बचाई। कॉलिन का ट्रीटमेंट पूरा हुआ और क्योनी को एक हीरो की तरह सम्मानित किया गया। नंबर चार, एस्ले मैरी एल्ड्रिज। दोस्तों, कभी आपको ऐसा सपना आया है कि आपको ट्रेन ट्रैक पर बांध दिया गया हो और ट्रेन बस आने ही वाली हो? 2015 में 75 साल के अल मूरमैन के लिए यह सपना तब हकीकत बन गया जब रेल ट्रैक को क्रॉस करते वक्त उनकी व्हीलचेयर रेल ट्रैक पर फंस गई। तभी सामने से उन्होंने ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी और चीखने लगे। पास के घर में रहने वाली 19 साल की एस्ले ने उनकी आवाज़ सुनी और अपनी पूरी जान लगाकर अर्ल मूरमैन को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। मगर ट्रेन के पहुंचने से पहले उन्होंने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अर्ल को बचा लिया। ट्रेन व्हीलचेयर को रौंदती हुई निकल गई। बाद में एस्ले को पूरे शहर में हीरो की तरह फेम मिला और उन्हें सम्मानित किया गया। नंबर पाँच, लॉरेन प्रेजियोसो। दोस्तों, अगर कोई 8 मंथ्स का प्रेग्नेंट हो तो वह खुद का और अपने बच्चे का ध्यान रखेगा। लेकिन लॉरेन प्रेजियोसो ने किसी दूसरे के बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। 2014 में 33 साल की लॉरेन अपने पति और बच्चे के साथ बीच पर घूम रही थीं। तभी उन्होंने किसी महिला के चीखने की आवाज़ सुनी। लॉरेन ने देखा कि दो बच्चे पानी में डूब रहे हैं। वहां खड़े सैकड़ों लोगों में से कोई भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तब 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट लॉरेन ने उन बच्चों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी पर दोनों हाथ से बच्चों को पकड़कर वो तैर नहीं पा रही थीं, जिस कारण वह भी डूबने लगी। तभी एक और व्यक्ति ने पानी में छलांग लगा दी और लॉरेन और उस व्यक्ति ने मिलकर दोनों बच्चों की जान बचाई।
अब उन दोनों बच्चों सहित लॉरेन और उनका बच्चा भी बिल्कुल ठीक हैं। वेल दोस्तों, अब टाइम हो गया है चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो जल्दी से साइंस वर्सेस मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।